अस्सलाम वालेकुम स्टडी ऑनलाइन MBCS में खुश आमदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और इसमें हमें ए की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी बेस को फाइंड करना है। क्वेश्चन 14 है, लॉग बेस ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/2। सो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतार लेंगे। अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में और हमसे कहा जा रहा है कि हम ए की वैल्यू को फाइंड करें, यानी बेस की वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले बेस लिखते हैं, तो बेस क्या है, ए है, ठीक है। फिर हम एक्सपोनेंट या पावर लिखते हैं, तो पावर क्या है, 1/2। यहाँ हम एक्स लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू अगर गिवन है तो यहाँ एक्स की वैल्यू गिवन है, हम वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ ए की पावर 1/2 है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि 1/2 ख़त्म हो जाए, इसकी पावर ख़त्म हो जाए और सिंपल ए हमारे पास रह जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर ली है, ठीक है, तुम्हारे पास ये आ गया है। अब ए की पावर 1/2 है और इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल ए रह जाएगा। 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ए की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है और यही आंसर। क्वेश्चन 15 है, लॉग बेस ए ऑफ 1/25 इज इक्वल टू 2/3। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद फिर से नीचे उतारेंगे। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि हम ए की वैल्यू को फाइंड करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं, तो बेस क्या है, ए है, ठीक है। फिर उसकी पावर या एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो पावर क्या है, 2/3। और फिर हम एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 1/25, ठीक है। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। ये 1/25 है, 25 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 5 5 ज़ 25, 5 1 ज़ 5, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 × 5, ठीक है। अब ये 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 raised to power 2, ठीक है। अब ये 1/5 raised to power 2 है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इस 5 को हम ऊपर ले आएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसका एक्सपोनेंट जो है ये प्लस में है, तो ऊपर जब इसको हम लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। अब हमें ए की पावर को ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि सिंपल ए हमारे पास रह जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन के दोनों साइड जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, ठीक है। अब हम दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की पावर है 2/3 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, ठीक है। यहाँ 5 की पावर है 2 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, ठीक है। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ए हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर सिंपल 3 रह जाएगी, ठीक है। अब 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे,
फाइव फाइव ज़ा 25 और 25 फाइव ज़ा 125। ये आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ए की वैल्यू को फाइंड करें, बेस को फाइंड करें, तो उसको हमने फाइंड कर लिया है और यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब क्वेश्चन 14 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतार लेंगे। अभी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू को फाइंड करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बेस यानी ए। ठीक है, फिर हम उसका एक्सपोनेंट लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, और फिर हम एक्स लिखते हैं, एक्स की वैल्यू लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है वन, तो हम वन लिख देंगे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ए की पावर ज़ीरो है और ये इक्वल है वन के। ठीक है, कोई भी नंबर जिसकी पावर एक्सपोनेंट ज़ीरो हो वो वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ए क्या है, एनी रियल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ए की जगह हम कोई भी नंबर यहाँ पुट कर दें, कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पुट कर दें। ठीक है, जो ग्रेटर देन ज़ीरो हो और उसकी पावर ज़ीरो हो, तो इक्वल होगा वन के। ठीक है, तो ए क्या है, एनी रियल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो।